नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुजरातीना अभ्यास में आगळ वधता आजे यूनिट नंबर 10 जड़नगरी वेनिश नो अभ्यास आपणे करीशुं। जड़नगरी वेनिश ना पाठना लेखिका मृदुलाबहेन प्रवीणचंद्र मेहता छे। तेओ साहित्य, सौंदर्य अने इतिहास तथा राजनीतिना चाहक अने अभ्यासी छे। मृदुलाबहेन प्रवीणचंद्र मेहतानो जन्म पूर्व आफ्रिकामां थयो हतो। तेमना पिता शिक्षक हता। शिक्षण अंग्रेजी माध्यममां मेळव्युं। सीनियर कैम्ब्रिज सुधी नैरोबी में अभ्यास कर्यो। 1955 में भारत आया। गांधी विचार ने समर्पित जीवन रविशंकर महाराज अने पंडित सुखलाल जी ना संपर्क में रहा। लोक भारती ग्राम्य विद्यापीठ में उच्च शिक्षण मेळव्यु हतो। प्रस्तुत पाठ जड़नगरी वेनिश नो साहित्य प्रकार प्रवास निबंध छे। वेनिशना भौगोलिक स्थान विस्तारनु रोचक वर्णन अहीं ताजगी प्रेरे तेवुं छे। त्यांना साइकल, स्कूटर, मोटर जेवा स्थळ वाहनोने स्थाने स्टीम लॉन्च, मोटरबोट ने सविशेष तो कलात्मय गंडोला, नानी जड़होड़ी जेवा जड़ वाहनोनी ज बोलबला लेखिकाने स्पर्शी गई छे। गंडोला, ग्रांड केनाल, रियाल्टो ब्रिजनू अद्भुत, आह्लादक, रमणीय, स्फूर्तिदायक वर्णन कोईपण वाचक माटे मनहर मनभर बनी रहे छे। जे इटालीना प्राणसमी अपार सभार स्थापत्यथी मढेली आ जड़नगरी वेनिश केवल स्थापित रसिक रसकिननी ज नहीं किंतु पाठकनी पण प्रियतमा बनी रहे छे। परम यात्री प्रेमी रसिका शिक्षिका लेखिकानु सूक्ष्म निरीक्षण अत्यंत भाव समृद्ध अने अनुभव समृद्ध बन्यु छे, जे आ प्रवास निबंधनी आगवी विशिष्ट मुद्रा उपसावे छे। अंग्रेजी भाषा साहित्यनी अपार प्रीतिए लेखिकाने यूरोपियन स्थापत्य अने कला साहित्यना अभ्यासथी रसायेलो जीवन रस सर्वत्र पमराट फैलावे छे। जेनी साहेदी ओथेलोना वीर नायक अमर प्रेमीना चोट दुख निरूपणमांथी पामी शकाय छे। परभाषाना प्रभावमां आवीने स्वभाषानी घोर खोदनारा एवा आपणा सौ साथे लेखिकानी अंग्रेजी भाभीना तातातीर जेवा आकरा अनुभव वेणने मूल्यनी साथे साथे समग्र यूरोपियन प्रजामानसनी स्वभाव प्रीतिनी अचूक नोंध लेवी घटे तेम छे। 114 टापुओमां वसेली वेनिश नगरी अत्यंत मोहक छे। वाहन व्यवहार तरीके गंडोला मुख्य छे। गंडोलाना नाविको अंतर ओगाड़ी दे एवं संगीत वहावे छे। जाने वृंदावनमां वागती वेणुनो नाद, वांसणीनो सूर, रात्रे विविध रंगोनी लाइटोना प्रकाशनू प्रतिबिंब ग्रांड केनालने मुग्ध अने नयन रम्य बनावे छे। वेनिशनी केड़े शोभती गुगरियाळा कंदोरा समी आ केनाल रात्रे सात सरा हारनी जेम शोभी उठे छे। तेनी आ शोभा साथे रेलाता संगीतना सुरो इंद्रलोकनी याद अपावे छे। प्रभातना सुवर्ण किरणोथी वेनिश सुवर्ण नगरी जेवी जड़हड़ी उठे छे। समुद्र पर रेलातो सूर्यप्रकाश नाना मोटा मोजाओ परथी सरकती होड़ियो अने हवानी गुलाबी ताजगी आंतरमनने तरोताजा बनावे छे। गाढ़ वृक्षों पर पड़ता सूर्यप्रकाशनी रोशनी सुवर्ण रज जेवी लागे छे। आम समुद्र परथी आह्लादक अने स्फूर्तिदायक सफर मार्को पोलनू स्मरण करावे छे।
वेनिस शहर तेनी भौगोलिक सीमा जलमार्गो अने सौंदर्य में अनुपम है। तेनी साथे साथे तेना स्थापत्य कलाना अत्यंत सुंदर अने अद्भुत नमूना थी भरपूर है। एक जुओ अने एक भूलो एटले ज रस्किन जेवा स्थापत्य कलाना निष्णांते त्या वर्षो गाड़ी वेनिसनी आ कला पर अभ्यासपूर्ण ग्रंथों लख्या छे। जगत ने भूली गयो होय तेम रस्किने वर्षो वेनिसनी स्थापत्य कला पाछळ गाळेला आपणे रस्किनने अंटू दी लास्टथी ज वधारे ओळखीए छीए। मित्रों आ पाठ द्वारा लेखक अपना में प्रवास प्रीति प्रेरे छे। दुनिया में घणा एवा स्थळो छे जेनी सुंदरता अनेरी छे। घणा एवा स्थळो छे जे आपणे जोया पण हशे नहीं, तो तेवा स्थळो जो आपणे शक्य होय तो तेने प्रवास में तेनो आनंद मेळवी शकीए। अहीं वेनिसनी सुंदरतानी वात करीने लेखक अपना में वेनिस ना प्रवासनी प्रीति प्रेरे छे।